गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास है नॉइस की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई नॉइस कलरफिट आइकन 2 स्मार्ट वॉच। इस वीडियो में जो है मैं इसका सेटअप गाइड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और साथ के साथ इस स्मार्ट वॉच को जो है मैं यूज भी कर रहा हूं, तो यूज करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी जल्द चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए अभी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। चलिए सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। यहाँ से हमें जो है नॉइस फिट ट्रैक करके जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है। और एक बार ध्यान रखिएगा गाइस, हर ब्रांड में अलग अलग एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए ये वाली एप्लीकेशन है, लोगो यहाँ से देख लीजिए, नाम चेकआउट कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल जो है पहले सेट कर लेना है। प्रोफाइल सेट करने के बाद आपसे जो भी परमिशन मांगी जाए आपके मीडिया की, लोकेशन की, ब्लूटूथ वगैरह की, वो आप दे दीजिएगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ऐड डिवाइस पे आपको टैप करना है और फिर से आपसे जो है लोकेशन वगैरह की परमिशन ली जाएगी, ब्लूटूथ इनेबल करना है। गाइस एक बार ठीक से आप चेकआउट कर लीजिएगा, लोकेशन वगैरह जो है आपकी इनेबल होनी चाहिए, ब्लूटूथ वगैरह। उसके बाद यहाँ से आपको जो है स्मार्ट वॉच का नाम देखने को मिल जाएगा, नॉइस आइकन 2। ये स्मार्ट वॉच यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली हमें इस पर टैप करना है और स्मार्ट वॉच जो है अब हमारी फोन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ एप्लीकेशन का, उसके बाद हम चलेंगे स्मार्ट वॉच की तरफ। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो होम सेक्शन है, यहाँ पे आपको जो भी अपना स्टेप काउंटर, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट का जो डाटा है, SPO2 का जो डाटा है, सब यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। वन बाय वन टैप करके डे वाइज सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है ये स्मार्ट वॉच की सेटिंग्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच हमारी जो है कनेक्ट है, बैटरी कितने परसेंटेज है। और सबसे फर्स्ट में वॉच फेसेस में अगर हम चले तो यहाँ पे हमें वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। और मोर वॉच फेसेस में चलेंगे तो जो यहाँ पे आपको इंटरनेट के थ्रू और भी नए नए जो स्मार्ट वॉच फेसेस है देखने को मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ से आप उन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आप मैन्युअली कोई फोटो वगैरह यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो ये जो फर्स्ट वाला वॉच फेस है यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप जो सबसे फर्स्ट में टाइम की पोजीशन जो है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो। टाइम के नीचे जो है क्या आना चाहिए, जैसे डेट आनी चाहिए, स्लीप मॉनिटरिंग डाटा आना चाहिए, स्टेप काउंटर आनी चाहिए, वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। और टाइम के ऊपर क्या आना चाहिए तो वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। जो कलर है टेक्स्ट का वो कौन सा होना चाहिए। और सिलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, कोई भी फोटो अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहो तो इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में चले तो यहाँ से जिस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चाहते हो सिंपली उन्हें यहाँ से इनेबल कर लीजिए। जैसे स्मार्ट वॉच में आप जो है कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो तो फोन को पहले यहाँ से आप इनेबल करना होगा, अलाउ करना होगा, और उसके बाद जो है कॉल्स वगैरह यहाँ से आप इजीली पिक भी कर पाओगे और नंबर वगैरह डायल भी कर सकते हो। शटर में अगर हम चलें तो यहाँ से पहले आपको अलाउ करना होगा, जो इस एप्लीकेशन में कैमरा फंक्शन आपको मिलता है उसके थ्रू आप जो है स्मार्ट वॉच की हेल्प से फोटो क्लिक कर सकते हो। फेवरेट कॉन्टैक्ट में चले तो गाइस यहाँ पे कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट जो है आप ऐड कर पाओगे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में और यहाँ पे वो स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अदर्स सेक्शन में अगर हम चले तो यहाँ पे फाइंड डिवाइस हमें देखने को मिल जाता है। फाइंड डिवाइस पे जैसे ही हम टैप करते हैं तो अभी आपने देखा स्मार्ट वॉच में एक साउंड बजना शुरू हो गया, जिससे हमारी स्मार्ट वॉच इजीली मिल जाएगी। टाइम फॉर्मेट 24 आवर या फिर 12 आवर का यहाँ से सेट कर पाओगे। यूनिट सिस्टम यहाँ से चेंज कर सकते हो, दोनों डिस्टर्ब यहाँ से आप सेट कर सकते हो। टाइम इंटरवल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट करने का। रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस, हार्ट रेट डिटेक्शन यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। और गाइस ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप इसे इनेबल करते हो तो वो स्मार्ट वॉच अपने आप बार बार हार्ट रेट जो है मॉनिटर करती रहेगी, बट जो बैटरी है वो भी ज्यादा कंज्यूम होगी। कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो जो फोन का म्यूजिक है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। बस यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को जो है नॉइस फिट ट्रैक को परमिशन दे देनी है, उसके बाद आप इजीली म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे स्मार्टफोन का। लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ओनली इंग्लिश है फिलहाल के लिए। स्क्रीन टाइम आउट जो स्मार्ट वॉच का है मैक्सिमम 20 सेकेंड यहाँ पे है, तो यहाँ से सेट कर सकते हो। रीसेट कर सकते हो स्मार्ट वॉच को। क्विक व्यू यहाँ से आप सेट कर सकते हो, जैसे आप रेस टू वेक बोल सकते हो एक तरीके से। पीरियड जो है उसका यहाँ से आप सेट कर पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग। वेदर यहाँ पे मिल जाता है, टेम्परेचर सेल्सियस में होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में। सिटी यहाँ से आप जो है अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर पाओगे। और एंड में प्रोफाइल सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। और जो स्टेप का गोल है, जैसे डेली के 10,000, 5,000 जो भी स्टेप आप रखना चाहते हो गोल, वो सेट कर पाओगे। बस ये तो हो गया एप्लीकेशन का ओवरव्यू, अब हम चलते हैं स्मार्ट वॉच की तरफ। सो गाइस स्मार्ट वॉच में यहाँ पे जैसे ही सबसे फर्स्ट में होम स्क्रीन पे अभी हमें लॉन्ग टैप करके आप रखते हो तो इनबिल्ट जो वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे आप इजीली स्वाइप करके चेंज कर सकते हो। और अगर होम स्क्रीन पे रह के आप राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे स्टेप काउंटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, ये सब आप चेकआउट कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप एक तो जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ से जो है ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो,
फाइंड माई फोन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर प्रेस करोगे तो फोन में जो है एक साउंड बजना शुरू हो जाएगा और आपको फोन मिल जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर पाओगे और टॉर्च यहाँ पे आपको मिल जाता है। टॉर्च में यह है जैसे अभी टॉर्च जो है लाइट अप होगी, जैसे ही आप एक बार और टैप करोगे तो ये बिल्कुल डिम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप इस पर दोबारा टैप करोगे तो ये फिर से लाइट अप हो जाती है। तो फंक्शन जो है काफ़ी सही है। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो, कोई भी फंक्शन आपने ओपन कर रखा है, तो सिंगल बैक आप जो है वहाँ से निकल आओगे। साथ ही यहाँ पे आपको साइलेंट मोड भी डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये फंक्शन भी काफ़ी सही है। और होम स्क्रीन पे ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो मैसेजेस वगैरह यहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। और अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ से जो है मेन्यू ओपन हो जाता है। और गाइज ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो इसमें भी क्या है, आप सिंगल बैक कर सकते हो। साथ ही जो है डिस्प्ले ऑन ऑफ के भी ये काम आने वाला है। और लॉन्ग प्रेस करके अगर आप इसे रखते हो तो पावर ऑफ यहाँ से आप स्मार्ट वॉच को कर पाओगे। और चलिए चलते हैं हम मेन्यू की तरफ। तो यहाँ से आप जो है नॉइस हेल्थ यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, हर्ट रेट, स्लीप डाटा, SpO2, ये सब आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो भी स्मार्ट वॉच में है इनबिल्ट, और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से प्लस के आइकन पे टैप करके ऐड कर सकते हो। साथ ही मैसेजेस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नॉइस बज में चलते हैं तो यहाँ पे आपको डायल पैड मिल जाता है, कॉल्स वगैरह यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। और गाइस यहाँ पे बीच में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे अभी क्या है एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे नॉइस बज में जाओगे तो यहाँ पे अभी डायल पैड जो है एक्टिव नहीं है, तो क्या यहाँ से आप कॉल्स वगैरह नहीं लगा पाओगे ना ही रिसीव कर पाओगे। तो उससे पहले यहाँ पे आपको जब आप ऐप ओपन करोगे तो आपको ये पॉपअप ज़रूर देखने को मिलेगा, पेयर योर आइकन बज वाया ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ से अलग से आपको इस स्मार्ट वॉच को पेयर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ चुका है स्मार्ट वॉच का, नॉइस आइकन 2। तो यहाँ से एक बार आपको इसे पेयर कर लेना है, उसके बाद जो है आप कॉल्स वगैरह इजिली पिक कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अब मैं डायल पैड को जो है एक्सेस कर सकता हूँ इजिली। और नेक्स्ट वेदर यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, कैमरा जो है रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे जो एप्लीकेशन में मिलता है आपको, और म्यूजिक यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। क्लॉक में चले तो यहाँ से स्टॉप वॉच, अलार्म वगैरह सेट कर पाओगे। अलार्म जो है आपको एप्लीकेशन में से ही सेट करना होगा, यहाँ से नहीं होगा। ब्रेथ यहाँ से आपको मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट को यहाँ से आप जो है कमांड दे सकते हो। साथ ही गेम्स यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं, मिनी गेम्स हैं। सेटिंग्स में अगर हम चले तो सबसे फर्स्ट में वॉच फेसेस जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वाइब्रेट एंड रिंग, गाइस यहाँ पे आप अलग अलग मोड सेट कर सकते हो, जैसे म्यूट है, रिंग है, रिंग एंड वाइब्रेशन है, और ओनली वाइब्रेशन भी है। इसके अलावा ब्राइटनेस यहाँ से आप जो है फिर से कम ज़्यादा कर पाओगे इजीली। और अबाउट में चले तो यहाँ पे आपको इस स्मार्ट वॉच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। पावर ऑफ यहाँ से कर सकते हो, स्मार्ट वॉच को रीसेट करना चाहते हो या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। फाइंड माई फोन यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप फोन कहीं पर रख के भूल गए हो इजीली फाइंड माई फोन पर प्रेस करना है। बेल जो है रिंग होगी फोन में, आपको फोन मिल जाएगा। ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो आपको मिल नहीं रहा है तो यहाँ से आप QR कोड ओपन कीजिए और स्कैन कीजिए और सीधा आपको जो है प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो नॉइस क्लबफिट आइकन 2 के सेटअप गाइड को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके साथ आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि रिव्यू वीडियो भी आप लोग देख सके। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।